ढोल दे डगे ते भंगड़े पाउंदे, एक दूजे दा मूँह मिठा कराउंदे ते बोलियां पा पा अपनी खुशी दा इजहार करदे। ये लोग किते व्याह शादी पार्टी जां किसे प्रोग्राम च नहीं, बल्कि फरीदकोट दे गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज हस्पताल दे गेट ते पटाके चला जशन मना रहे ने, क्योंकि तीजी वार साबका वीसी डॉक्टर राज बहादुर दे करके ये हस्पताल हुण मुड़ तो सुरखियां च है। असल च खुशियां मना रहे ये लोग होर कोई नहीं, बल्कि इस हस्पताल दे स्टाफ मैंबर ने जो मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों वीसी डॉक्टर राज बहादुर दा अस्तीफा मंजूर करन ते खुशी मना रहे ने। इस बारे इस हस्पताल दे स्टाफ दा की कहना है, लाओ सुनो। जदों डॉक्टर राज बहादुर तो पिछले 8 साल मैडिकल का कोई सुधार नहीं होया तो फिर कुर्सी पर बैठने का इन्हों आप ही हक नहीं सी, नैतिकता के तौर पर पहले ही छड़ के चले जाना चाहिए सी इन्हों, क्योंकि वार वार मीटिंगा कीतियां 1.5 साल हो गए जथेबंदियां लगातार पिछली सरकार राही मंत्रियों राही हुण दी सरकार दे मंत्रियों राही सिविल प्रशासन मैडिकल प्रशासन कितनियां मीटिंगां होईयां तो सुधार एक पैसे का भी 1.5 साल नहीं होया। तो इस करके वीसी साहब जे मतलब इस चीज़ को समझ देनी सी भी इन्नी तनखाह लै रहे थे फिर यदि जिम्मेवारी नहीं समझते परवाह नहीं करते ये हालात तां बने, तो जिहड़ा सरकार ने फैसला लिया बहुत वधिया लिया, पहला ही उस दिन ही अस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए सी। तो इस करके असी अगे भी जे नवे वाइस चांसलर आने असी उन्होंने भी बेनती करांगे भी हस्पताल के जो दुरप्रबंध ने उन्होंने वधिया किया जाए, असी जथेबंदियां किसान जथेबंदियां साड़ियां जनतक जथेबंदियां हर तरह का सहयोग लिए तैयार आ, जे वो भी इस पासे ना ध्यान देंगे फिर साड़ी लड़ाई इस तरह जारी रहेगी, असी उन्ने चिर संघर्ष करते रहेंगे जिन्ने चिर साडे लोगों नूं हस्पताल दे प्रबंध अच्छे हो के वधिया सेवा सुविधावां नहीं मिलदियां। 8 साल हो गए सीगे सानू इदां संघर्ष करदिआं नूं, 8 साल ही हो गए सी धरना तां चलो 20 दिनां दा लग्गिआ हैगा पर सुनवाई साडी अज होई आ, तुसीं इह खुशी दा माहौल देख ही रहे होंगे कि किन्ने लोग खुश आ। डॉक्टर राज बहादुर जिन्हां दा कि कह दो भी कारजुगारी तो शायद कोई भी बंदा खुश नहीं सीगा, कोई 2-4 जने होणगे जिन्हां नूं तकलीफ होई होगी भी क्यों चले गए जां उन्हां नूं रहना चाहीदा सी, ओह भी उन्हां दे मैनूं लगदा जिन्हां दे कोई परसनल काम कीते गए होणगे उन्हां नूं ज़्यादा खुशी होगी। बाकी तुसीं इह देख लो भी इक सफाई सेवक तों लै के उत्तों तक हर बंदा खुश आ, इवन कि इन्ना मैं कहना चाहुंदी आ कि भी जिहड़ा कोई शायद इत्थे आया भी नहीं ना तो लोग घरे बैठे भी खुश आ, तुसीं खुद ही देख लिया होना भी सोशल मीडिया ते लोग किन्ने ज़्यादा उत्सुक हो चुके सी। मूसे वाले मिस के उन्हां दी डैथ तों बाद जे कोई मुद्दा भखिया उन्हों का मूसे वाले का मुद्दा तो अज तक ही खैर मैंने लगता भखिया ही रहना, वो ठंडा होना नहीं है, जे कोई मुद्दा भुखिया तो इतों के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादुर का ही मुद्दा भुखिया, और ये मुद्दे ता ही भखे जे तुसी लोग उन्हों तो इन्ने ज़्यादा तंग हुए हैं। असी मतलब के भी मैं कहनी हाँ भी मैं धन्यवाद करती हाँ उन्होंने सारियां का, सोशल मीडिया का धन्यवाद करती हाँ, सारे यूनिवर्सिटी के मुलाजमान का धन्यवाद करते हैं असी जिन्हें इन्ना ज़्यादा साथ दिता, सब तो व्डा साडा धन्यवाद वीर गुरप्रीत चंद बाजा जी का जिन्होंने इन्ना साथ दिता। मैं एको गल कहनी हूँ भी 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने 125,000 नाल एक एक लड़ाता सी, साडा वीर कल्ला सी ते मगर उस जरनैल दे ये फौज तैयार हुई ते असी सारे ने यह जंग लड़ी। मैं नहीं कहती भी अज जंग जीती गई आ, युद्ध तो हजे शुरू होया लोगों पिछे, ठीक है ना, इस जनता पिछे असी खुद इत्थे रह के देखते सी कि लोग किन्ने ज़्यादा दुखी सी। हादसा दी सहूलत नूं लै के चाहे मुलाजमान दीआं जो हक्कां दी संबंधी वह भी लैके उन्होंने बहुत माड़ा वतीरा रहा, ये हर आपकी हैंकड़बाजी इन्होंने मुलाजमान का नुकसान बहुत किया है, चाहे वह हस्पताल का वेख्या जाए हस्पताल का सुधार भी नहीं होया इन्हों, इस करके अज मुलाजमान बहुत खुशी की लहर है, लड्डू वंडे जा रहे हैं भंगड़े पाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तो बाद मुलाजमान की सुनी गई है, हुण सानूं उम्मीद है भी जिहड़ा भगवंत मान साहब ने अपना हैल्थ मिनिस्टर चेंज जोड़ा मारिया जी ने जो ये जिहड़ा डिसीजन लिया गया वीसी का अस्तीफा मंजूर करन दा ये बहुत शलाघायोग है, तो असीं उन्हां दा बहुत धन्यवाद करते हैं भी ये जिहड़ा अज ते मुलाजमान की मंग पूरी हुई है। हुण आपां वीसी साहब नूं इक गद्दे ते बिछाया सी ते इत्थे ढेर ला के गद्दियां दे भी जिहड़े खराब गद्दे आ हले भी बहुत खराब पए गद्दे इत्थे, ये बहुत मंत्री साहब ने पुन का काम किया जो बहुत सालों तो पहला करना जी सरकार ने करना जी वो इन्होंने काम किया एक पुन का काम है, जेकर तुम गद्दे उन्होंने वेख लो ना वाक्य तुम कहो भी बीमारी तो बंदे ने तो ठीक था कि उन्हें इतों आप हो बीमार होकर चले जा सकता सी इतों। सो जे उन्होंने जो 200 गद्दा अपने मंत्री साहब ने भेजा वो तो बहुत वधिया थां ते सही थां ते लग गया, पर जे हुण कुछ इन्होंने भी पाए आ तो कुछ होर अपने MLA साहब ने अमेरिका तो भी भिजवाने हैं तो वह आ रहे हैं वही गद्दे आ रहे हैं, तो ये जरा बहुत फर्क पैजूगा, ये एक स्टैप है। इस तरह जोड़े आम आदमी पार्टी के जो अपने MLA साहब है जोड़े है
पंजाब सरकार का हुण इस बारे ध्यान है, होस्पिटल तो सिक्ख्या के खेत्र का पूरा ध्यान है, स्टैप बाय स्टैप सारिया चीज़ों वाल करता जाना है। हुण जिहड़ी इक्विपमेंट्स जिहड़े मेन इक्विपमेंट है जिवें ग्लूकोज टंगण वास्ते स्टैंड चाहिए है, स्ट्रेचर चाहिए है, उन्होंने प्रबंधा वास्ते जिहड़ी है चीज़ है वह हुण दोबारा मुहिम चलावांगे। पिछले दिन ही हस्पताल च पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा वालों वीसी डॉक्टर राज बहादुर नूं गंदे गद्दियां ते लेटण लई कह दिता, उस विवाद करके ये मैडिकल हस्पताल चर्चा च आ गया सी। इस संबंध च कई लोगों का कहना है कि मंत्री ने जो कुछ किया वह वाकई काबले तारीफ सी, क्योंकि हस्पताल के हालात बेहद बुरे किए हुए सन। हकीकत टीवी पंजाबी लई फरीदकोट तो गुरजीत सिंह रोमाणा की रिपोर्ट।